if blood will flow, when flesh and steel are drying in the corner with the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always मैं तुम्हें तुम जब छोटी थी जब से आज तक यू हैड अ वेरी लॉन्ग मैराथन ऑफ योर पेंटिंग ट्रैक जो कि मैं एसेस कर सकता हूँ. मैं देख के आ रहा हूँ कि किस तरीके में तुम्हारा चाइल्डहुड का एक तुम्हारे अंदर जो एक ट्रैक हमने एसेस किया था. और जैसे ये पेंटिंग है, ये इस पेंटिंग तक पहुंचना एक तवील अरसा मेरे ख्याल से तुम गुजर के आ रहे हो. और बहुत सारे स्टेजेस के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो, जो कि तुम्हारे लोड ऑफ एलिमेंट जो है पेंटिंग वर्ल्ड में, तुम ठीक ठाक बहुत सारे एलिमेंट का वजन एक साथ लेता हुआ आगे बढ़ रही हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा ताखिर हुआ ज़रूर था, क्योंकि लोड ज़्यादा होने से रफ्तार में कुछ फ़र्क आता है. इसके अलावा जैसे कि लेडीज़ ऑफ आवर इंटर पार्क सब कॉन्टीनेंट, जो उनके जो अपने पर्सनल लाइफ का जो हिंड्रेंस, वो भी तुम सर्वाइव करके ओवरकम करके यहाँ तक पहुँच जाना, मेरे ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है और मेरे दुआएँ. और दिस इज़ a beautiful achievement जिसके crown आज इस exhibition में मैं तुम्हें दे रहा हूँ. Can we call the crown of achievement? तो इस painting में जो खासियत मैं देख रहा हूँ आज, जो जो एक ज़माने में मैं थोड़ा बहुत guideline देने का जो हमारे कोशिश हमेशा ही रहा है advisor का हैसियत से, वो ट्रैक तुम जिस तरीके में रिकवर किया टेक्निकल साइड, तो अगर ये रिकॉर्डिंग आवाम के लिए है तो शायद ये टेक्निकल लफ्ज़ थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा. क्या तुम पसंद करते हो कि जी आप बताइए, और अंकल थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताइए ताकि मेरी सब ऑडियंस समझ सके. तो बेटे, यू हैव ऑलरेडी ओवरकम नेबरेबल प्रॉब्लम्स in the world of painting, especially the world of grammatical track and device of the painting world. Suppose I do say this, which is a very important thing, I call area synthesis, so called the composition, the problem of composition, you have survived beautifully. Your painting used to be very much a little bit noisy at the beginning time or medieval time. Noisy, I mean the so-called the leading structure and void area, empty area, both of them were in trouble with your very much highly fractioned forms and over distributions of the number of forms throughout the painting's frame. But this time you have excellently controlled, and I do say they eliminated the extra noise in the paintings, and the void ground are beautifully exposed. I can say it is enhancing the promoting the leading capital area. And one thing is this, which is very very I do say the rare part of the Pakistani painter's history, that is the content must be our figurations, figurative content. And rare painter of the Pakistan history of art, content with the human figure are being found very rarely. But in this track of human figurations, you have taken this problem and you have survived beautifully.
that is, I'm very much glad to see in these exhibitions in the Collectors Galleria Lahore. काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. जितना पहले था उससे तकरीबन दुगना अच्छा है. और इतने बड़े साइज में तुमने जो कंपोज किए हैं ना, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसमें परफेक्शन है, पहले से कहीं ज़्यादा. कलर स्कीम बहुत अच्छी है और जो फिनिश लुक आई है ना आपके काम में वो भी रिमार्क. फ़ायज़ा खान हमारे शहर की सामान की आर्टिस्ट हैं, जिनकी ये सोलो एग्जीबिशन लाहौर में हो रही है और हम सारे फ्रेंड्स मिलकर आए हैं. आप सोच सकते हैं कि अगर हम सारे इनकी लिए आए हैं तो हमें इनसे कितनी मोहब्बत है. और इससे सबसे बड़ी बात यह कि काम इनका ऐसा है कि जो दिन ब दिन निखरता जा रहा है. ये सबको पता होगा, शायद मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्टिस्ट की ग्रेजुअल किस्म की जो इम्प्रूवमेंट होती है उसके काम में रोज़ रोज़, उसको मैं जज कर सकती हूँ कि दो साल में या तीन साल में वो कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक उसने जाना है. तो डेफिनेटली फ़ायज़ा खान का जो काम है, जो मेरे पास भी एक चिरोकार्ड गैलरी में सोलो एग्जीबिशन हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक, ट्रेमेंडस चेंज, ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट इन हर वर्क. शी विल गो अ लॉन्ग वे. दिस इज एन एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ वर्क. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन इट. And it's really amazing, and the message behind is so powerful, and the art way you have articulated it and the way you have manifested it, and the composition, the form, the content, everything is really very 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 motivating, and I find your work very very inspiring, and I wish you best of luck and congratulations on this wonderful exhibition. खुशी इस बात की हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही हो रही है जैसे कि मेरी एग्जीबिशन है. क्योंकि फ़ायज़ा ख़ान मैं पाकिस्तान में जितने भी आर्टिस्टों को जानता हूँ उनमें से वो वाहिद फेलो आर्टिस्ट है जो हु इज़ वेरी क्लोज टू मी. और उनकी पेंटिंग्स के बारे में ये कि मैं बीमार था, बट आई एम इन एग्जीबिशन. और मैं अक्सर उनके कमेंट्स भी, चूँकि सोलो शो जब कर रही थी तो बीइंग फ्रेंड वो दिखाती रहती थी पेंटिंग्स. तो मैंने उन्हें पहले भी कहा है, अब भी यही कह रहा हूँ कि हाउ कलर्ड यू आर. और इतनी खूबसूरती से वो पैलेट चेंज करती हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ. और इमेजरीज ऐसी हैं कि उसमें सरलिज्म एक मूवमेंट है आर्ट का, सरलिज्म उसमें नज़र आता है. फिर कोई भी आर्टिस्ट कहते हैं कि आर्टिस्ट बड़ा नॉस्टैल्जिक होता है, लेकिन नॉस्टैल्जिया से ज़्यादा मुझे इसमें इनोसेंस लगी. इतनी मासूम है पेंटिंग्स. फिर उसमें वो हम चूँकि पंजाब में या पाकिस्तान के एरियाज में जो भी रहते हैं, अगर बीइंग फीमेल जो उन्होंने डॉल का एज एन सिंबल यूज़ किया है, तो उससे इतनी वो अटैचमेंट हो जाती है कि एक पेंटिंग में एग्जीबिशन चुके एक एक पेंटिंग पे रुक के देख के आए. तो एक पेंटिंग थी उसमें कॉन्वर्सेशन विद अ चाइल्ड, कि इमेजरी में इतनी देर तक मैं खुद को ऐसे जैसे मेरी माँ मेरे से डिस्कस कर रही. तो फ़ायज़ा खान की ये कामयाबी है कि उसने जो बात कहनी चाहिए और अपनी बहुत ये हमारे पाकिस्तान में ये एक रीत चल पड़ी है कि कोई बहुत बम्बास्टिक किस्म का आइडिया लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अपने आप को नहीं खुरेदा जाता. तो फ़ायज़ा खान ने अपने आप में डूब के अपने से बातें की हैं और उन बातों से ये नहीं लगा कि वो उनकी बातें लगी, उनसे हम भी इंटरेक्ट हुए हैं. और मैं तो बहुत हूँ, तो गुड लक. और मेरी विशेज हैं कि बहुत ऊपर जाए फ़ायज़ा खान. आई एम हियर फॉर वर्किंग फॉर डंका टू प्रमोट आर्टिस्ट लाइक फ़ायज़ा एंड आल्सो अदर आर्टिस्ट्स एज़ वेल. Yes, I enjoyed the exhibition very much. I would like to see more because there's only paintings of 2011. We should make an exhibition of all your paintings. So I don't know. I can see it's made with much passion and even more important, much love. And I think that's for me, it's the only two keywords for making art and. मेरा नाम आतिफ है और
میں فائزہ خان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. یہ میری بڑی اچھی دوست بھی ہیں, میری آرٹسٹ فیملی میں سے ہیں, میری بڑی پیاری سی بہن ہے, اور جتنا یہ خوبصورت خود سے ہیں اور اتنا ہی خوبصورت ان کا کام ہے. ان کی خوبصورتی جو ہے ان کے کینوس پہ بتاتی ہے, اور ماشاء اللہ ان کا یہ ہر ایگزیبیشنس پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا, اور اپنی ایگزیبیشن پہ انہوں نے وہی چیز کی ہے, اور ماشاء اللہ ہر پینٹنگ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ فائزہ خان نے کتنی محنت کی ہے اور کتنے دل سے کام. سب سے زیادہ اس کے کلرز جو ہے نا مجھے بہت پسند آئے, کیونکہ ایک دم سے جب کمرے میں آؤں نا تو اتنی فریشنس کا احساس ہوتا ہے. کمبینیشن بہت اچھی ہے, مطلب ویری وائبرنٹ, ویری لائولی آئیڈیاز. آئی لو دیٹ آئیڈیاز. میں تو ایک شاعر کی آنکھ سے ہی دیکھ سکتا ہوں, شاعر ہونے کے ناطے جو اس کی ٹیکنیک ہے وہ تو مصور لوگ جانے, لیکن ایک شاعر ہونے کے ناطے جیسے ہم فنکاروں کو دیکھتے ہیں نا, تو اس میں ہم اسلوب دیکھتے ہیں, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے یہاں کیا معنی اور تخیل ہیں. تو یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے رجحانات اور تجربات کے ساتھ ساتھ اپنا ایک اسلوب متعین کرنے میں کامیابی کے بہت قریب ہیں, بلکہ کامیاب ہیں. اور آپ کے یہاں عورت کافی ہے اور ہونی بھی چاہیے ایک جھلکتی اور اداس. مجھے تو رنگوں میں آپ کے اور اس میں چہروں کے جو تاثرات ہیں, میں کہہ چکا ہوں ٹیکنیک مصور لوگ جانے, اس میں تخیل جو آپ کا یہ معنی ہے حیات کی بات کو چھوڑتے ہوئے, اس میں اداسی اور نسوانیت ہے, اور یہ ہے کہ آپ مسائل پہ بھی زندگی کے سماج کے مسائل سے بھی جڑی ہوئی ہیں. یہ ہے کہ مجھے آپ کے رویوں میں جو خود آپ ہیں اس میں امید, اور بہت فعال ہیں آپ, ایکٹیو, لیکن آپ کی تصویروں میں آپ بہت مدھم دھیمے انداز میں, بہت اس انداز میں بات کرتی ہیں, بہت شاید آپ کا ایسا مزاج ہو, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. تھینک یو. ہماری آنکھوں میں زندگی کے ہیں رنگ سارے, تو کیوں نہ آئیں نگارش خط و رنگ کے تم کو ڈھنگ سارے, کہ دل میں پیوست ہو رہے ہیں یہ خال و خط کے خدنگ سارے. بقول شخص تمہارے ہاتھوں کی شمع تصویر پر گریں گے زمانے بھر کے پتنگ سارے. کبھی تم آفاق کے گریباں سے چاند سورج اچھالتی ہو, کبھی شکست وصال سے تم ملول چہرے تراشتی ہو. تمہارے کردار جو بھی ہوں وہ ہیں جبر ہستی سے تنگ سارے. تمہارے ہاتھوں کی سرکشیدہ سی کچھ لکیریں جو لوہے محفوظ کی عبارت پہ معترض ہیں, بگڑتے بنتے نقوش والی خدا کی صنعت گری پہ بینس سطور شکوہ کنا لکیریں. جمیل رب سے یہ کہہ رہی ہیں کہ خوبصورت دکھائی دینے کی کر رہے ہیں امنگ سارے, تمہاری آنکھوں میں زندگی کے ہیں رنگ سارے. Canción del rey David para el